और चाय दूं? नहीं, काफी। अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। अरे पुत्र, तुझे पता है तेरी खाला जुबैदा ने ना कल घर में दुआ रखी है और मैं भी ना पीर साहब के मज़ार पर मन्नत मांग कर आई हूँ। पर अम्मी जी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है ना बेटा, दुआओं में भी बड़ा असर होता है। सही है। कल के मैच का ज्यादा प्रेशर मत लेना तुम, और ये हुक शॉट खेलते हुए अपना टेंपर मत लूज किया करो, ध्यान से खेला करो। जी अब्बा जी। और नज़र मोहम्मद साहब ने इस मैच के लिए खासकर दुकान पर नया टीवी लगवाया है। आधे सियालकोट को उन्होंने अपने वहाँ मधु किया हुआ है। चाचा जी भी बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वैसे बहुत मिस करूंगा। बस ये बताओ, हो गया पैक? फोन पे फोन आ रहे हैं यार। जानती हूँ कितना याद करोगे मुझे। मैं तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ। हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा, तभी लेडीज इंक्लोजर के सामने फील्डिंग करते हुए 32 निकली हुई थी तुम्हारी, है ना? मुझे मेरा कैप्टन है ना वही खड़ा करता है मुझे वहाँ पे। वो कहता है मेरा सबसे गुड लुकिंग बंदा वहीं खड़ा होगा बस। वैसे भी जिस लड़की को देखता हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है। अच्छा, वो डैडी का फोन आया था। वो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊँ, फिर मैं वहीं से तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊँगी। हाँ प्लीज। Okay. तुम्हें पता है डैडी और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पिछले मैच में तुमने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। Come on यार, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे कितना पसंद करते हैं। झूठी तारीफें नहीं करो मेरी। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है अकबर। तुम्हारे डैड 40 साल में नहीं बदलेंगे मेरी गुड्डी। ओए, तुम्हारी बातें सुन रहा है छोटू? सो जा। One scotch with water. तू क्या लेगा? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस पिएगा? क्योंकि शायद तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। ऑरेंज जूस। भाई कल मेरा फाइनल है, कुछ तो ख्याल कर। तो जानता हूँ फाइनल तू ही जीतेगा। मैं 1 मिनट शेख साहब से मिलके आ रहा हूँ, यही रहा। हाँ आई नो। बंदे को अजहर मजीद कहते हैं जी। आपसे पहले भी बात हुई थी साउथ अफ्रीका वाली बुक। पिछली सीरीज में भी आपसे कांटेक्ट किया था। कल के मैच का भाव बहुत ऊपर है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अगर एक मैच फिक्स हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? قوم يا شيخ شباب شيخ قوم قوم يا شيخ يلا يلا قوم خليه معك خليه معك جيبك طلع يا شيخ مالي ضروري يلا 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 خش هنا سوي تفتيش 100% سوي تفتيش 100% خش هنا خش يا شيخ حبيت بلعب خش هنا يلا شباب क्या बात चाचा टीवी लगाए तो अच्छा ने अपनी हिरासत में ले लिया। अकबरदीन को होटल के कमरे में मनश्यात के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर अकबरदीन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया बल्कि मुल्क भर में मौजूद क्रिकेट के लाखों शायकीन के दिल भी टूट गए। इस वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। उधर दुबई पुलिस भी अकबरदीन से मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। Where did you find this rug? How did you find this rug? I don't know. I want to know. I want to know. Who is your boss? For what? Who is your boss? Answer me. कसर रास बात कली मारा पाकिस्तानी कसर रास Answer me! Answer me! I don't know! I don't know! I don't know! ये सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप जानते हैं मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हूं। तुम्हें यहाँ आने की इतनी जल्दी थी? तुम जैसे अपस्टार्ट लोगों का यही तो मसला है। जहां थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी शोहरत मिली, अपने आपे से बाहर हो जाते हो और इवेंचुअली तुम लोग ऐसी जगहों पे आके एंड करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पेपर्स हैं, इन्हें चेक कर लेना। ये क्या है? डाइवोर्स डीड है। मेरी बेटी सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उसने साइन भी कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है। जब शौहर दुनिया के सामने मुंह काला करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो आपस का मामला नहीं रहता। आप मेरा घर तबाह करने की कोशिश नहीं कर सकते। मेरा घर तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुमने मेरी इकलौती बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। देखिए, ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं। अभी मुझे निकलना है यहाँ से। अब सारा और मिकाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मिकाल मेरा बेटा है। था। मिकाल तुम्हारा बेटा था। आज से वो मियां आसिफ कुरैशी का नवासा कहलाएगा। बस। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिकाल को इतना दूर ले जाऊंगा कि अगर गलती से भी उसे अपने बाप का ख्याल आए तो वो उससे बहम लगे। समझे? रुको, रुको, ये जुल्म है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਸਾਰਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਆਸ਼ਾ ਕਰੇ आओ आओ और कुत्तों से डरने वाले शेरों आ जाओ। और 225 रन खा गए मार के आओ। मलिक साहब 3 तो कैच ड्रॉप हुए हैं। ऐ भी मेरे के पा दो, एक तो मैच खिलावा वो तो कैच भी लवा है। मलिक साहब मेरे पैसे। और तू तो चुप कर, शायद की थे वो जी वो ओ ए ओ एक गल कर सर, वो बैटिंग के वक्त पहुंच जाएगा। ओ तो मैच के दौरान कितने दफा हो गया? ओ जी टक्कन कटे करने शादी में गया जी। ओ केड़े टक्कर है? ओ यार शाहिद तेरी मेहरबानी, चल यार। ओ यार मजा आ लगे, किसी टक्कर में से भी कुछ निकल आए। ओ यार शादी हॉल से लेके होटलों तक सारे पेप्सी की टक्कर खोल ली है, और लेकिन तेरी स्कीम का एक भी टक्कर नहीं मिला। ओए मिलेगा मिलेगा, वड्डा आया नवाब जाना। ओए बस कर दे भाई। काशिफ भाई तू क्या कर रहा है? मलिक साहब बुला रहे हैं। 106 आउट हो गए ने यार। 106 विकेट गए। ओ तू चल। ओ शाहिद 106 विकेट आउट हो गए हैं यार। चल मेरा भरा चल। ओ चल यार यार 2 मिनट साथ वाले शादी हाल से भी जरा चेक कर लेते हैं। मैं बोतल पड़ गया ना, अपने सर फाड़ लेना है। ओ चल यार यार चल ठीक है चल आ जा। क्या करवाएंगे आप? चल इक्की ला ले। आहा साडे लोकल शाहिद अफरीदी साहब तशरीफ ले आए। हाय हाय मलिक साहब कसम से जब भी आप मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये शाहिद अफरीदी से मिलने वाला टक्कर मिला तुम्हें? किथे टक्कर का ख्याल कर लो और मैच जीत लो मेरे माठे। और मैच जीत लो यार, मेरे भी 20 रुपए फंसे हुए हैं। अच्छा जी हाँ जी लो जी, फिर होने लगी है बूम 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 बूम। शाबाश है और इस तरह दे और छक्के मारो। और मलक ने जाग उठ गया जे आप खुश की था शायद। ये तुम्हारे और ये तुम्हारी मैन ऑफ द मैच के, ठीक है? मलिक साहब मैन ऑफ द मैच के तो पूरे 1000 रुपए दे दें, उसमें से भी 500 रुपए काट लिए आपने। ये जो पैसे कटे बेटा ये क्लब में लगेंगे सुईटू, हमेशा याद रखो खूद ही मिट्टी खूनू ही लग दी है। मान ना मान ऐसे जूस ही वह तो क्लब दा हाल है। छोड़ना काशी, ऐसा तो पहले भी होता रहा है। ओए ओ शान दी नई फिल्म लगी है यार, आज चल के देखना। दौड़ उठा के आने दौड़ जा। तू जा, मैं घर जाना है। ओ मेरा शून्या अपनी चूड़ियां लेनी है, चूड़ियां लेनी है। तू तो जानता है ऐसे मौके के इंतजार में रहता हूं मैं। ओश ज्यादा है तू। ओ वैसे वो वसीम अकरम की जगह शुएब अख्तरी कह सकता था। अच्छा काली आंधी कहता तो है तुझे। ओ चुप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल? मैं ठीक हाँ। ले भी सलमा इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ ना कि तेरी टी के पाँव ही खुल जाएंगे। नौकरी पक्की है ना? हाँ हाँ तुझे तो पता ही है कि शुगरा ने कभी कच्ची नौकरी वालों को मुंह नहीं लाया। सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ओ खाला सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा है तू? मैं ठीक। सुना मैच कैसा रहा? अम्मी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। ओ जिंदा रहे जिंदा रहे। देखिए मैं तो कहती हूँ कि इसको भी किसी चंगी जगह पर सेट करा दे, मैं इसके लिए भी कोई सोनी मनमोनी सी ढूंढ कर लाऊं। ओ खाला खुदा के लिए मेरी अभी शादी में बड़ा टाइम है, और वैसे भी अभी मुझे टीम में जाना है ना? कर लो गल। पागल जिया। बाजी देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। शाहिद तू सारे पैसे चूड़ियों पे खर्च कर देता है। तू मेरी पैन है, पैन पे तो खर्च करता हूँ, और वैसे भी तुझे पसंद तो आती है ना। हाँ लेकिन अच्छा भाजी ऐ ते मैनू दसो ये खाला चुगला कब से आई हुई है? शाहद मजाक कर रहा था। वैसे ये रिश्ता तुम्हें कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा है शाहद? चल चाय लेके जा, चल। देख सलमा, रिश्ता बहुत चंगा है, तू ये हाथ से ना जाने देना। जी बस तूने ना मुंडे को कमरा ही सजवा कर देना है। जी हाय हाय, ये टीवी, एसी, फ्रिज और पलंग, आखिर को ये चीज़ें हमारी आयशा के काम ही तो आनी है ना। और साथ में लाख दो लाख थमा देना ताकि मुंडा अपना कोई जाती कारोबार भी शुरू कर ले। आपा तान तो पता है मैनू फैक्ट्री तो किन्ने पैसे मिलते ने और आशी दे सिलाई कढ़ाई दे पैसे होंदे ने। बस मेरी बात सुन, तेरी धी के हाथ का भी मसला है। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंडे वालों को राजी किया इस रिश्ते के लिए। जी अब कह ना उसके प्यो को भी कि वो भी कुछ हया करे ना, उसको तो अपने शुगर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी चल मैं अब जा रही हूँ, उनके साथ ही आऊंगी तेरे घर अब। ठीक है चंगा फिर, ठीक। रब रख, रब रख। मुझे नहीं करना व्याशा, ये मुंह पर के पैसे मांगते हैं लोग, हया भी नहीं आती लोगों को। बेचारी औरत फैक्ट्री में काम करती है, कहाँ से कमा के लाएगी पैसे? बाजी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो हूँ ना। लेकिन ये हाथ, इससे तो बेहतर ये हाथ दिखाता। बाजी ऐसे ना करो, तुझे मैं तंग आ गई इस मजदूरी से। बाजी ठीक ही तो है, लोगों को क्या मालूम कि तुम सारा कार का काम कर लेती हो। लोगों के तो मुंह से निकल जाता है, और जिनके हाथ है वो लोग भी तो बेकार ही बैठे होते हैं ना। वे हैं शायद आया अम्मी जी, जा पत्ती ले के आ। अच्छा जी बाजी, मैं जरा जाके पत्ती ले आता हूँ, वरना पट्टी साहब आ गए ना तो उनकी चाय के लिए पत्ती नहीं होगी। ओ तू फिक्र ना कर, अब बात जल्दी नहीं आएगा, शेरे का मुकाबला है ना आज। मेरी जान, मेरा चन है। पट्टी साहब आपा सुगरा आई सी, कह रही सी कि वो मुंडे वाले मान गए ने। मुंडा रेलवे च मुलाजिम है। कह रही सी कि एक कमरे का सामान देना होएगा ते होर 2 लाख रुपया चाहिए। और याद आया, करमाली को 200-400 रुपया दे दे, मेरे शेरे आस्ते पिस्ते तो बदाम खत्म होए ने। तुसी सुनिया नहीं मैं तन की क्या? मैं तानू ताड़ी धी दे रिश्ते बारे गल कर रही हूँ। ओ सुन लिया ना, होर की कवां, गुरदा बेच दियां अपना। जाके अपने फैक्ट्री वालियां नूं पूछ, जे कोई कर्जा वगैरह दे दें ते इन्ने पैसे किन्ने देने ने, दे भी दिए तो वापस कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब किधर? प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह। मैं जनाब नू शाहिद अफरीदी आखा के शाहिद भट्टी साहब। वैसे सूट तो अफरीदी करता है। मैं जुत्ती मारनी है खिंच के तेरे मुंह ते। और बाले को होटल से काम करने वास्ते क्यों नहीं गया? गया था वहाँ, उसने खाने के ऑर्डर लेने वाली टेबल पे बिठा दिया था मुझे। मैट्रिक पास ऐथे वजीर आला लग जाएगा। पता नहीं जी, वैसे वजीर आला दी रिक्वायरमेंट मैंने कभी चेक नहीं की। बकवास बंद कर, प्यो जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप जो करते हैं वो क्या है? वो हमारा मजाक उड़ाना नहीं है? शायद मैं तेरा मुंह तोड़ देना ही। कार में एक जवान बेटी बैठी है और आपको इससे ही फुर्सत नहीं है। शेर चुप कर जा, चुप कर जा शेर। नहीं अम्मी जी नहीं, जरा इनको भी तो सुनने दें कि हम किस हाल में बैठे हैं। एनु चुप करा ले सलमा, मैं तेनू कह रही। ओए शायद चुप कर। अम्मी 10-10 घंटे बैठकर मशीन के सामने काम करती है और बाजी सलाई कर करके आधी हो गई हैं और आपको इसको बादाम खिलाने के लिए पह चाहिए। इसकी तो मैं अल्लाह के वास्ते चला जा। ये तो कोई मेरे शेरे ने बारे च गल की थी। जितना मारना है मार ले, लेकिन कसम खुदा दी जितनी शेरा मुझे अकेला मिल गया ना चिकची मरोड़ दूंगा। आपका सारा दौर हम पे चलता है। अल्लाह के वास्ते जा शाहिद। जाता हूँ बाजी, जाता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना छोड़ा क्योंकि मेरी सारी फीस मेरी बाजी देती थी। समझे पट्टी साहब? इन वाजी में छड़ना तो नहीं। अल्लाह करे इस पट्टी का हार्ट फेल हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए इसका। बस जवान औलाद दे हाथ चुक दे पट्टी साहब। ओ चल छोड़ना ही यार। कैसे छोड़ दूं? मार मार के कमीज पाड़ दी है। तुझे शेरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। एक बटेरा ही तो है, कोई पीर साहब थोड़ी ना है जिसे कुछ कहेंगे तो गुनाह मिलेगा। इतना तो कोई सौतेला बाप भी नहीं मारता होगा अपने बच्चों को। ऐसे कहते तो सही है तेरे अब्बा, सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, पैसा एक भी नहीं कार लेके आते। वो दिन भी आएगा, तू बस एक बार अपने भाई नू टीम विच आ लेंदे, फिर देखना तेरा भाई भी इसी तरह बोर्ड पे लगा होगा। इसको तो भी बैंक ने उठाया, तुझे तो अल्लाह ही उठाएगा। अल्लाह तो उठाएगा मगर ये लोग भी उठाएंगे। तेरा भाई सिटी कप में ऐसी परफॉर्मेंस देगा, ऐसी परफॉर्मेंस देगा, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सियालकोट की टीम में आने से। ओ मेरे सोने, टीम में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, अगर हम इस बार का टूर्नामेंट ही जीत लें तो कितनी देर लोगों की नजर से बचेंगे। पिछले साल जो क्लब कप जीता था उसकी परफॉर्मेंस में और हमारे क्लब की परफॉर्मेंस में तूने फर्क देखा है? तो हम मेहनत करेंगे और वैसे भी परफॉर्मेंस कोई आसमान से नीचे नहीं उतरती। ये बात मलिक साहब को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा, तू चल। हाँ हाँ उठे यार, चल तो जा। उठे यार, जूती तो बांध दे जल्दी, चल 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 चल। पैसे काट, पैसे और देने के नहीं कर देंगे तेनू। बंदा पूछे मलिक साहब आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? बूटे गुज्जर को आम आदमी ना समझो। लेकिन उन्होंने मार कुटाई क्यों की? उसकी बीवी को छेड़ा था मैंने। कब? अब मैं शक्ल से तुमको ऐसा लगता हुआ है? 18 लाख रुपए देने थे उसके, टैक्स काट के बता रहा है 20 लाख देने ने। 20 लाख? हाँ 4 साल पहले लिए थे, अब तो उसने फट पड़ना है ना। मगर मलिक साहब 20 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो पुत्र क्लब जड़ा है ना और मुफ्त में नहीं चलता। और मेरी बीवी सही कह रही थी कि पुराने असासे बेच के जान छुड़ाओ। हर उसकी बात मैंने मानी, यही नहीं मानी मैंने। जान छूट जाएगी जब बूटे गुजर ने कब्जा किया ना ग्राउंड पे और दफ्तर पे। क्या मतलब? मतलब उसने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ग्राउंड भी मेरी तो दफ्तर भी मेरा। हाँ जी। क्यों बैठा है? बुखार हो जाएगा, चल नीचे चल। काफी अरसे बाद बारिश हुई है, सोचा थोड़ा मजा ही ले लूं। मजा ले रहा है या आंसू छुपा रहा है? काशिफ आया था मेरे पास, सब बता दिया उसने मुझे। पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अल्लाह एक बुआ बंद करता है ना तो सौ खोल भी देता है। देखना जब उसने देना है ना तो ना वक़्त देखना और ना बंदे को देखना, सारे रास्ते खोल देने। मगर इधर सारे रास्ते ही बंद हो गए। छोड़ सारी बातें, चल खड़ा हो, चल उठ, उठ भी, चल नीचे चल के मुझे बता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाएगा, मैं इस्त्री कर देती हूँ। आजा शाबाश। और क्यों ओए? ओए अब क्यों आए हो? इकबाल साहब मुझे यहाँ काम करना है। ओए अक्ल ठिकाने आ गई तेरी। ओए अब मैच नहीं खेलना? नहीं जी। ओ वड्डा शाहिद अफरीदी, ओए काउंटर पे बैठना है तूने। और खबरदार जो अगर तूने कोई मैच लगाया तो यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है, वो भी न्यूज़। चल जा टेबल से ऑर्डर ले। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और चल सही है। वसीम, ये रोटी इन लोगों को दे, वो क्या करता है यार? क्रिकेट के दीवानों के लिए वो घड़ी आ गई है जो उनके ख्वाबों को देगी हकीकत का रंग। क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का पहला अंडर 19 T20 कप, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। क्रिकेट के मैदान में अपनी महारत साबित करने का ये है एक सुनहरी मौका। वो किथे गया है? शायद उन्हें ढूंढो, किथे? मैंने इश्तिहार पढ़ लिया था यार। तो मलक साहब सोचना क्या है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा ये क्लब बचाने का? और तू पागल हो गई? और बड़े हाई लेवल की क्रिकेट होगी, हाई लेवल की। अरे हमने कौन सा तलवारें लेके मैदान में उतरना है, हमने भी तो क्रिकेट ही खेलनी है ना। मैं तुम्हें समझाता हूँ, और पहले हम लोगों ने सियालकोट के क्लबों को हराना है। और अगर ये हो गया तो फिर 12 टॉप क्लास के क्लब है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। ओ यार मलिक साहब, हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ आई? बगैर खेले कैसे कह सकते हैं मलिक साहब के मुकाबला नहीं हो सकता? अभी तुमने बड़े शहरों की टीमें देखी नहीं है, और यहाँ सवाल है 5 करोड़ रुपए का, समझ आई? ऐसे ऐसे पाए के खिलाड़ी है कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। और हमारी आधी टीम जो है वो चप्पलों और पाटे पजामों वाली है। कितने मैनू बख्शते हो यार, मैं मजीद पंगा ला ही नहीं सकता। असल में हम लोग पंचर हो गए यार। अच्छा। ओ ये की करन दिया है? ओ शायद हैं? ओके। ओ बेनू किथे लाते ले हैं? मैं बड़े मलिक साहब की तस्वीर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने क्लब बनाया था ना तो ये नहीं सोचा था कि ये हारेंगे या जीतेंगे, और हार जीत का फैसला तो खेल के ही होता है ना सर। और अगर इस क्लब के मुकद्दर में उस बूटा गुजर की भैंसों का तबेला बनना लिखा है ना तो बने, लेकिन कम से कम इस जिगरे वाले बंदे की तस्वीर के सामने नहीं। हट जा। ओ प्यो मेरा सी गैरत तोनू आन रही है, और दोवें रल के मेरा ज़मीर जगाओ। और ये होगा कैसे बताओ आके? आओ प्यो नू मोड़ो। ये चीज और स्वीटू ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ी गेम है। क्लब तो हमारे हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्या पता इस तरह चांस बन जाए क्लब बचाने का। और इन टीमों के पास एक से एक बढ़कर प्लेयर होती हैं और हर टीम के पास एक पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है कोच के रूप में। हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है, हम तो पंचर हो गए। मलिक साहब है ना जी मसला। और मैं क्लब का मालिक नहीं रखता, कोच कहां से लगूंगा? आपके क्लब से इतने लोग खेल के निकले, उनमें से किसी को रख ले। और 3-4 पुराने खिलाड़ियों से बात की थी, कोई कोच बनने को तैयार ही नहीं है। और मुश्किल वक्त में कौन किसी का साथ देता है? मेरी बाजी कहती है जब अल्लाह में किसी का हाथ पकड़ लेना तो ना वक्त देखता है ना दिन, फिर उसके रास्ते खुलते ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं। तो ये तेरा कोच कौन से रास्ते से आ रहा है? उससे क्यों नहीं बात करते? किससे है? वो जो गलती से पाकिस्तानी टीम में चला गया था। साढ़े क्लब का मुंडा? ओ ते बड़ी पुरानी गल है, अब काम आनेगा वो। लेकिन क्यों? वो सियालकोट के लिए कभी खेलेगा ही नहीं। मगर ट्राई करने में क्या जाता है? वो अब मैं उसको कहाँ लबूं यार? कल 15 अप्रैल है। कल 15 अप्रैल है। तो मैं की करा यार? बड़े मलक साहब की बरसी है। और पता है मैनू किसी और की भी बरसी है। 15 अप्रैल? और स्वीटू लगता है तेरा कोच आ रहा है। चाची की बरसी पे आ गया है। मलिक क्या हाल है तेरा? यार ऐसी भी क्या नाराजगी अपने शहर से है स्वीटू? बस अम्मी के बाद 15 साल हो गए इस बात को। चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए माना हूं कि तू कोई पुरानी बात नहीं करेगा। यार एक मशवरा लेना है तुझसे। बोल। ये जो कप हो रहा है, जो जीतेगा ना स्वीटू, वो यार सुना है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसे। हाँ अगर अनाउंस किया है तो मिल भी जाएंगे। और सुना है जो लड़का टैलेंटेड निकलेगा उसको पाकिस्तान में अंडर 19 में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। निकाल दे है? अपने जहन से ये बात निकाल दे, तेरे क्लब के बस की बात नहीं है। अच्छा? जिस जिस लेवल का क्लब इस मुकाबले में होगा तुम लोगों का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो क्या अगर? अगर आप हमारे कोच बन जाए तब तो चांस बन सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम। यार अक्कू ये मेरे क्लब के लड़के हैं, ये काशिफ है और ये शाहिद है। देखें सर जी मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, ये तो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। हम सारे चाहते हैं जी कि इस टूर्नामेंट में आप हमारे कोच बन जाएं। मैं मानता हूं कि दूसरों की टीम के मुकाबले हमारी टीम बड़ी ही कमज़ोर है, लेकिन जी क्रिकेट तो बाई चांस होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे कोच बन जाएंगे ना तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे ना हमारी टीम में बड़ा टैलेंट है। बोल लिया। इसीलिए बुलाया मुझे यहाँ। वो ना मुझे कोचिंग करनी है ना मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता है। ओह लेकिन सर देखो मुझे नहीं पता मलिक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन गौर से सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे तुम उम्मीदें लगाओ। सर जी मलिक साहब ने बूटा गुज्जर के 20 लाख रुपए देने ने, वह टाइम पे ना दिए तो क्लब और ग्राउंड दोनों पर कब्जा हो जाएगा। मेहरबानी। तुम लोग क्या समझते हो टूर्नामेंट जीत के तुम क्लब बचा लोगे? ये तो बच्चे हैं। तू क्या पागल हो गया? कहाँ से लाएगा उस लेवल के प्लेयर्स? और प्लेयर्स तो दूर की बात, इस टूर्नामेंट की फीस 2.5 लाख रुपए है। कहाँ से करेगा? बीबी के सेवर बेच दूंगा मैं। इसी किस्म के जाहिल पने की उम्मीद थी मुझे तुझसे। क्लब तो तेरे हाथ से जा ही रहा है, अब चाहता है कि बीवी भी जाए। बच्चों को क्रिकेट के नाम पे ख्वाब दिखाना छोड़ दे। 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 खेलते हैं, बाकी सब ख्वाब देखते रह जाते हैं। और तेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए तो इनके तो होने दे। और तू तो पेंशन हो ही गया है, इनको तो न कर याद। और एक बात मत भूल तू, ये वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, कादिर, इसी ख्वाब के सहारे ऊपर गए हैं। कहाँ पहुंच गए वो। और तू कोचिंग कर या ना कर यार, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें तो ना तोड़ यार। मैं तो जरूर ट्राई करूंगा, चाहे बीवी का जेवर बेचना पड़ जाए या कार। और 15 मिनट से ज्यादा रुकी गया तो अपने बूढ़े बाप से तो मिल ले, जिसको यही नहीं पता कि वो जीते जी तुझे देख सकेगा भी कि नहीं। ओ अकबर, चार जेब बाबा भी कमाल ही है। कौन है? अपना इमाम दीन है, जिसका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था। अच्छा अच्छा, वो जरा पकड़िया गया था। हाँ वही यार, इस बेचारे ने भी क्या किस्मत पाई है यार। बस यार, जिस अकलौते बेटे ने सारे शहर में इसको मशहूर कराया, आखिर में वही इसके मुंह पर कालक मल के चला गया। बड़ा ही अफसोस होता है इसको। अब्बा जी ठहरो। इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना। मर गया अब्बा तुम्हारे लिए। अब्बा मत कहो अब्बा मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं है। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। ये लो अपने पे है। चले जी, आ जाए मलक साहब। ओ फार्म वगैरह चेक कर लिए ना? वो तो चेक कर लिया है मलक साहब, मगर पैसे? ओ पैसे है ना मेरे को। हैं। देख लो, गलत ना हो। मलिक कैच इट। तू आज तक कैच नहीं पकड़ सका। और तुझे तो पता है कि कैच के मामले में पेंचर हूँ मैं यार। चल तेरी टीम को भी चेक करते हैं, उनका भी तेरे जैसा हाल तो नहीं है। मतलब? कोच को ये मालूमात तो होनी चाहिए ना। ये अपनी टीम कैसी है? ये पूरी तो नहीं है। और पूरे 11 ने यार की हो गया यार। गौर से पढ़, ये अंडर 19 कप है। अंडर? हाँ तो इनकी उम्रें चेक करो। अरे यार, इनके तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं पड़े। मैं टीम का कैप्टन और विकेट कीपर हूँ। ये ज़ुबैर है, बड़ा चंगा बॉलर है जी। स्विंग का बादशाह है, बादशाह। कौन कितना बड़ा बादशाह है मैं रजिस्टर में स्कोर कार्ड देख के पता कर लूँगा। और कोई काम? नहीं। इस सियालकोट के वो 7 बेहतरीन क्लब्स हैं, इनमें से जो जीतेगा वही सियालकोट को रिप्रेजेंट करेगा। वो साढ़े क्लब जाते ना ही नजर नहीं आउंडिया, इसलिए कि ये 7 बेस्ट क्लब्स हैं। ज़ुबैर को क्यों निकाल दिया? 12 महीनों में सिर्फ 9 विकेट लिए हैं उसने। और सर जी आजकल फॉर्म में नहीं है, सही हो जाएगा। कौन सही होगा कौन नहीं, ये फैसला करना मेरा काम है। झलक तेरी आंखों में है वो चमक, सोच ले ताड़ ले दिल लगा हिट के ये नाच उठे ये जमी ये फलक समाना बोले बूम बूम ओए बल्ले बल्ले बूम बूम ओए मैं की जाना टुक टुक करना मैं दे यार लपेटा। हमारे सारे बैट्समैन को छक्के मारने की बीमारी है। उतना मजा भी तो छक्के ही जानता है यार। 11 बॉलों में टीम बाहर भी हो सकती है। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक एंड बचा सके, जरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले। ओ यार ये हो जा प्लेयर में कितों पैदा करा हूं। दीवारे टीन से क्यों नहीं बात करते? दुनिया में दो ही दीवारें मशहूर हैं जी, ओथे दीवारें चीन ते एथे दीवारें टीन। और सीधी सी बात है जनाब, ये पैसे नहीं देते और दीवारें टीन पैसों के बगैर नहीं खेलता। पैसे मिलेंगे लेकिन टूर्नामेंट के बाद। ना जी ना, शेहों का बाल हूँ और ये डील मेरी समझ में नहीं आती। पर मैच 3.25 लाख रुपए समझ में आते हैं। फाइनल तक 13 मैचेस हैं, अगर जीत गए तो 36 लाख रुपए मिलेंगे। रिस्क है, फाइनल में पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएंगे इसकी क्या गारंटी है? आप कोच और पर तबीयत के बड़े ही शेख हैं। डन डन, मैं तुम्हें नेट्स में देखने की बात करूंगा। हैं जी, तबीयत का शेख हूं पर पेशे से कोच ही हूं। तुम फास्ट बॉलर हो। ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे। हाँ तो छोड़ क्यों दिया पा? हैं? वो सब वो मैच के दरमियान नमाज का टाइम नहीं देता था। ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो। ढेर दा काफिर बच्चों थे, गलिशा दा खार बच्चिया। साफ वलार दे कार में खराब हो गलिशा। ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो? तू यार बोलो खराब नमाज के बारे में बात करता है। बच्चिया गलिशा करा। साहब जी आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता। कौन कॉल करो? सर जी ये अजीब पागल आदमी है, बॉल ही मारी जा रहा है। अभी तो शुक्र करो यार कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिया, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठा कैसे बचता है? खान अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे। ओए मौलवी, शेखों का बच्चा हूँ, शेखों का हड्डियाँ तुड़वा लूंगा और पर विकेट नहीं दूंगा। इधर आ जाओ सब, कमन जल्दी। ये कल का बैटिंग ऑर्डर है। दीवारें टीन और 7 ओपन करेंगे, उसके बाद जुबैर, सलीम, नवाजिश और फिर शाहिद। कोच में पहले नहीं जाऊंगा? रेस लगानी है कि क्रिकेट खेलनी है तो जल्दी जाने की टेंशन है। ओ सर जी, इसमें तो बॉलिंग का लिखा ही नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, ये मैं कल सुबह बताऊंगा। आप लोग जा सकते हैं। चलिए यार। इधर आओ शाहिद। जी कोच। ये लो। नहीं कोच, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। मैंने खाने के लिए नहीं दिया। ब्रेक करने की कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करो रेस घुमा के। मगर क्यों कोच? पहला ओवर कल तुम कराओगे। मैं क्यों? तुम्हारी गेंद तेज पड़ती है लेकिन गुगली का मसला है, रिस्ट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए। मगर क्यों, क्या हुआ? शायद अफरीदी की तरह बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी। करनी है जी। यार ओपनिंग में फास्ट बॉलर भेजते, तुम स्पिनर भेज रहे हो। कल देख लेना। क्या देखूंगा मैं? ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये बॉल और ये सेब में क्या साइंस है। ये तो अब्दुल कादिर से पूछो। जिसने शेन मॉन को सेब के जरिए गूगली सिखा दी थी। ओ यार। ओए, छट दे सेब को और सो जा। तुसी सो जाओ बाजी, मैं सो जाऊंगा। टास हार गया लेकिन मैच जितना चाहिए। शायद पहला ओवर तुम कराओगे। जी। आज हमें होम ग्राउंड का एडवांटेज भी। सर जी क्या हो गया, पहला ओवर स्पिनर पावर प्लेयर मार मार के सत्यानाश कर देंगे। वो लोग भी यही सोच रहे होंगे। शायद तुम बॉल अंदर रखना, एक्स्ट्रा कवर और डीप हिट विकेट पे दो प्लेयर सर्कल के बाहर होंगे। ओके। स्पिनर से करवा रहे हैं और फाइनल खाली। स्वीप करने जाएंगे तो एलबीडब्ल्यू का चांस होगा। लेकिन सर हमारी टीम के कैप्टन हो या उनकी टीम के, जरा संभल के गौर से सुने। दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम भी सिर्फ 11 बॉल्स की मार होती है। और चलो चलो पह जाओ मुंडियो, आजो आजो। शाहिद, अम्मा। अम्मी? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं फैक्ट्री से नवा बैट निकलवाया तेरे वास्ते। शुक्रिया अम्मी, इतनी जल्दी क्या थी, बाद में दे देती। क्यों बाजी जी मैच नहीं देख सकते? अस्सलाम वालेकुम बाजी जी, की हाल चाल जी? अल्लाह दा शुक्र। ते तुसी आओ ना मैच देखो ना चल के। नहीं जी मेरी शिफ्ट दा वक्त हो रहा है, मैं ते सिर्फ मुंडे नु बल्ला देन आई सी। वैसे भी शायद ने मेनू आखिया जद तक ए टीवी ते ना ना आए मैं दा मैच ना वेखां। ओ चल यार, ओ चल। मैं चलता हूँ मम्मी, अपना ख्याल रखना। मैच शुरू होने वाला है, दुआ करना मेरे लिए। गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बक अप बॉयज। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कोच साहब हैं जी? जी हाँ मैं कोच हूँ। वो जी सुना है आप पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते रहे, ये पुत्र शायद का कोई चानस है जी? कोच साहब देखें जी, बड़ी मेहनत की है बच्चे ने। मेरा ख्याल है आप इनको पार करा सकते हैं एक बार। देखिए जी मैं झूठे दिलासे नहीं देता, मेरी आदत ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। इस टूर्नामेंट में आने वाली हर टीम के पास पैसा है, एक्सपीरियंस है, फैसिलिटीज़ हैं, यानी वो हर लिहाज से हमसे बेहतर हैं। हमारा कहीं से भी उनसे मुकाबला बनता नहीं है। जनाब अगर आप बुरा ना मनाएं, एक बात कहूं? जी। लेक्चर दे दिया बाजी को है? जो सच बात थी वही बता रहा हूं। आखिर देखिए क्या उन्होंने? कुछ नहीं। यार 15 साल हो गई है, मिकाल से कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा। पहले सालगिरह पे खत लिखा करता था, फिर बड़ी मुश्किलों से ये नंबर मिला, लेकिन आज तक उससे बात नहीं हो सकी। पापी से कभी कोई? तो तुमने अदालत से कोई रजू किया है? पिछले 5-6 साल से इतने अदालत के चक्कर लगाए, अब तो ये भी पता नहीं चलता कि तारीख लगी भी है कि नहीं। यार वो तुम्हारा पुत्र है यार, मियां आसिफ कुरैशी का नवासा भी है। तब तो वैसे भी वो 15 साल से इंग्लैंड चला गया, पता नहीं उसको मेरी शक्ल याद भी होगी कि नहीं। मलक साहब जल्दी से बाहर आए, ओ मुंडे गुथम गुथाओ। ओ छोड़ो यार, छोड़ो मलक साहब, छोड़ यार काशिफ, छोड़। तेरा क्या मसला है? मैं तो मर्जी करूं। सर जी ये टॉयलेट बैठ के ये वाला सिगरेट पीता है। वो तो अदब दिखा मैं लूं। ओए चरसरी सर्कट। और नहीं जी ये तो वो छूना काका नहीं आएगा, मैं समझ आई ना। मैंने सलीम को कई बार ये सिगरेट पीते हुए देखा। मलिक साहब ये मेरा जाती मामला है, चर्स पीना कानूनी मसला है, और जहाँ तुम पी रहे थे तुम्हारे बाप का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कप्तान होते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम। तो फेर की है यार, इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच का मसला नहीं है, उसूल की बात है। और तेरी बेहतरी नहीं कहने ने। और मलिक साहब अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। और तो तेरी माँ बना। मुंह ना लगाए मुझसे। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? तो और किस तरह करूँ, क्रिकेट के कोच है, हमारी जिंदगी के नहीं है। अब बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र। और मलिक साहब मैं इन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो इनके थल्ले लग के रहूंगा। तो उत्ते चढ़ के रहो। अपनी बकवास बंद करते हो वरना मैं। वरना क्या, निकाल दोगे? निकालो। बॉलर और बैट्समैन के बगैर टीम चल जाती है, विकेट कीपर के बगैर नहीं चलती। जा रहा हूँ छोड़ के। विकेट कीपर के बगैर टीम नहीं चल सकती, लेकिन चर्सी के बगैर चल सकती है। देखूंगा जब चलाओगे। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। अकबर साहब किसी अस्पताल से आपका फोन आया। जैसे ये होश में, इनको 2 पैनाडोल और ये इंजेक्शन दे देना। जी सर। क्या वो डॉक्टर साहब सब ठीक तो है? सड़क पर बेहोश मिले थे, वॉलेट में से एक चिट मिली जिसमें आपका नाम और नंबर था। गालिबन आप इनके बेटे हैं। जी। कुछ देर पहले इनको होश आया तो बताया कि आपको बुलाया है, तो लड़ना शुरू कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊं तो सिर्फ तभी बुलाइएगा। आप ऐसा करें हर आधे घंटे बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ओके? राइट सर। अब कैसी हालत है इनकी? अल्लाह ने करम किया है, बचत हो गई है, बस सिर्फ बाएं हाथ की हड्डी पे चोट आई है। दर्द बहुत ज़्यादा था इसलिए पेन किलर के साथ नींद का इंजेक्शन दिया है। आप ऐसा करें कि घर से इनके कुछ कपड़े मंगवा लें, इनको कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है? जी ठीक है। टेक केयर। वो मैं जाके कपड़े निकालता हूँ। सामने मेरा हाल है, मुझे हसरतों का मलाल है। ना मैं आशना किसी रूप से, ना किसी को मेरा ख्याल है। देख जरा, एदा मतलब ये होया कि चाचा नू पता है कि तू सियालकोट ही चेगा। अब बिस्मिल्लाह, आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। अकबर साहब, आपने तो सियालकोट क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। बंदे को क्लीन गुमसुम कहते हैं। सदके रोजनामा शगाफ स्पोर्ट्स एडिटर। जी बोलिए। परसों के फाइनल मैच के बारे में आपके क्या तासुरात है? देखें क्या होता है। देखेगा तो गुमसुम। आप बस एक जुमला इनायत कर दीजिए। जुमला आप इनसे लीजिए, मेरे पास जुमले जरा कम ही होते हैं। अरे साहब, सहाफ़ी बरादरी से आपकी ऐसी क्या नाराज़गी है? उस बात को तो 14-15 साल गुजर चुके हैं। मगर कुछ चीजें फिर भी नहीं बदली। मलक खालिद खिदमत के लिए हाजिर है कलीम साहब। बड़े मिजाज हैं। वैसे टीम के यही नाम छुपवाए थे ना आपने? दिखाइए। शाहिद, काशिफ, हाँ यही नाम है। विकेट कीपर कौन है? सलीम चीमा पागल है। वही जिसे आप लोगों ने निकाल दिया है। खबरें सब रखता है गुमसुम। विकेट कीपर मिला या खुद ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरने का इरादा है? मिल जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो ठहरे, चाय आ रही है। चाय भी इनको ही पिलाएं, बल्कि इनको तो ठंडा पिलाएं, बहुत गर्म चल रहे हैं। मलिक साहब, गुमसुम एक सच्चा सहाफ़ी है। एक नाम लिख लो। बताइए। माइकल जोसेफ, माइकल मैग्नेट भी कहते हैं। मैं बताऊं, 2 साल पहले सियालकोट यूनाइटेड का विकेट कीपर था, आजकल फारिग है। लड़का बहुत काम का है। बड़ा नाम निकाला है आपने। कलीम गुमसुम है, मगर इतना भी नहीं कि टैलेंट को पहचान न सके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े ही मिजाज हैं। बड़े मिजाज हैं। माइकल मैग्नेट कहाँ मिलेगा? हमें पता है पिछले क्लब ने तुम्हारे पैसे मार लिए थे, लेकिन अब मैं तमाम बातों का कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ। चाहो तो किसी से भी चेक करवा लो। बिल्कुल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। जब साइन कर रहा था ना, पंचर ही हो गया सी में। मारने वाले तो उसके होते हुए पैसे मार लेते हैं सर, लेकिन जहाँ इतना जुआ खेल लिया वहाँ एक और सही। ट्रायल कब लेंगे? और ट्रायल का तो अब टाइम ही नहीं रहा। अब जो भी निकलेगा, मोइन खान या कामरान अकमल, मैच में ही निकलेगा सवेरे 8 बजे। देख लो, आज आपके घर के सामने मुआहदा किया है मैंने। मैग्नेट, मोइन खान ही निकलेगा। आप मुझे बता देते, मैं पिला देता आपको। आपकी नाराजगी मुझसे है, खुद से नहीं। यही समझ के पानी पी लीजिए कि मैं नहीं, एक अनजान आदमी कुछ सवाब कमाना चाहता है। सर जी, सुनाओ जरूर सर जी। वो चाचा शायद मार देंगे सर जी। सारी दुनिया दे बच्चे खराब कर छे मेरी कन खोल के सुन लो। नहीं बहन दे बड़ा शाहिद अफरीदी। ओ हेलो, सुनो सारे, ये हमारा नया विकेट कीपर है माइकल जोसेफ। सारे इसको मैग्नेट कहते हैं। हेलो, चल मिल ले सारों से। हेलो, ओए कैसा है? एकदम मैग्नेट, तू सुना? फिट। बाल से बड़े चंगे लग रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ। ओ मौलवी क्या हुआ? पूरे शहर में और कोई विकेट कीपर नहीं मिला था तुमको। वो तो इसको क्या है, खाना खराब काफिर है। काफिर है तो तुमको नहीं पता है? और मैच खेलना है, मिलाद नहीं करानी। मानन पर वक्त काफिर शक्ल ले दो, खुदा खबर शारोस पास में तेरे की। और क्या बोल रहा है? उस काफिर का बादशाह की वजह से मैच में बरकत नहीं पड़ेगा। अब बात कर दे मौलवी। मलक साहब 9:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ 20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हमने मैच शुरू करना है। आप प्लीज उन लोगों को जल्दी से बुला लें। अच्छा मलक साहब तुसी टेंशन ना लो। टेंशन क्यों ना लवा यार, और शायद तो चला गया और कोच भी गायब हो गया, मैनू तो पंचर ही कर गया यार। उफ किथे जावां मैं। माशाल्लाह भट्टी साहब प्लीज। और भाई मैंने अपना मुंडा गेंद और बल्ले के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। चंगा भला 8,000 रुपये महीने पर काम करता था वर्कशॉप में, आपके चक्कर में और पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगा। अकेले बैठने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन फायदा तभी है जब इंसान के पास बहुत वक्त हो। जहां तक मुझे याद है इस वक्त तुम्हारा एक मैच है जो तुम्हें खेलना है। चले कोच, वो आपकी बाइक कहां गई है? लेकिन फिलहाल किसी और के हाथ में। चलो हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर कम से कम 170 से 190 के बीच में होना चाहिए। टीम तुम ओपन करोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहना। ठीक है सर जी, लेकिन मेरे साथ कौन है? शायद जाएगा तुम्हारे साथ। कोच मैं? हाँ, आज कप्तान को लीड करना चाहिए। अश्के वही अश्के। आपका ऑफिशियल लेटर है, इनॉग्रल फंक्शन के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। बाय द वे ये सियालकोट से आपकी टीम का कोई नाम है या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? शाहीन, सियालकोट शाहीन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, सी यू देयर। अस्सलामुअलैकुम। हमने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं। मैंने कंपाउंडर से कह दिया, वो घर आके आपकी पट्टी चेंज कर देगा। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सुनो, वो घर तुम्हारी मां का है, उसमें तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा है। वहाँ आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लग रहा हूँ ना, है पूरा सियासतदान लग रहा है। इस्लामाबाद है आखिर। मैं होटल जा रहा हूँ, ऐसा कर तू अटेंड करके आ जा। चिल कर, थोड़ी देर की बात है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द पेप्सी क्रिकेट टूर्नामेंट। आज आप सब लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि आप अपने अपने शहर के बेहतरीन क्लब से वाबस्ता हैं। अब आपके हाथों में अपने शहर की रेप्यूटेशन और आगे 5 करोड़ का इनाम है। शाहिद कितने गए यार? अगर यहाँ पर बिस्तर और टीवी आ जाए तो कमरा बड़ा टाइट है। हाय हाय, रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। जी वो मैंने धो लिए। वाओ, जर्सी तो बड़ी अच्छी है आपकी, सियालकोट शाहीन्स। ओह, अगर टीम का कैप्टन इतना अच्छा है तो बाकी टीम कैसी होगी? देखिए, मैंने सुना था शहर की लड़कियां खुली डुल्ली होती हैं, मगर आप तो बहुत खुली डुल्ली हैं। रियली? मुझे आपका तो नहीं पता, मगर मैं तो ये इस्तेमाल करने आया था। वो तो नजर ही आ रहा है। जी क्या मतलब है आपका? देखिए, आप जैसे भी है मगर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। लेडीज टॉयलेट में आप खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं। हैं लेडीज टॉयलेट? जी, लेडीज टॉयलेट मतलब लड़कियों का वॉशरूम। हैं, लड़कियों का वॉशरूम? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। गुड लक मिस्टर सियालकोट। अब सियालकोट से आने वाला वो क्लब जिसने सियालकोट के बड़े बड़े क्लब्स को ढेर करके अपनी जगह बनाई, सियालकोट शाहीन। इस वक्त भी एक टेबल खाली है, इस्लामाबाद हंटर्स टेबल। इस्लामाबाद हंटर्स इस टूर्नामेंट का सबसे टफ कॉम्पिटिटर और सबसे महंगा क्लब है, जिसने क्वालिफाइंग राउंड में कंटिन्यू 11 मैचेस जीते और उनके आने का अंदाज भी मुनफरिद है। उठ के आ रहा है क्या? प्लीज वेलकम इस्लामाबाद हंटर्स। यार, तुझे इस्लामाबाद हंटर टीम के बारे में वाकई कुछ नहीं पता। पिछले 15 साल में कुछ पता नहीं चला तो इसका क्या पता चलना था। लेकिन तुझे उससे मिलना चाहिए था यार, आखिर वो तेरा पुत्र है। मगर मुझे तो सिर्फ मियां आसिफ कुरैशी का नवासा लगा। ऊपर वाले के काम में बेहतरी होती है। देख ले, इस टूर्नामेंट के जरिए तुझे तेरा बेटा मिल गया। लेकिन मलिक, लड़कों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो कोच खान, हमारा कमरा बदलो यार। क्यों? काफिर है वो, हमने नमाज पढ़ना होता है। तो पढ़ लेना, वो कौन सा तुम्हें कोई रोकेगा? आपको नहीं पता इन लोगों का। सही कह रहा है सर, आपको नहीं पता हम लोगों का। आप इसे किसी और लड़के के साथ डाल दें। वो मौलवी, वो कमरे में शराब की बोतलें पड़ी हैं, बंद कर देना किधर खराब ही ना हो जाए। गलत सड़े। और वो अलमारी में बच्ची भी है, जरा ध्यान से ना ना कहीं पकड़े ही ना जाओ। बच्ची का नाम पूछ रहा है। बस कर दे यार मौलवी, हाथ हौला रख। ओ मेरी तस्वीर ले, ओए इधर खींचो यार, इधर जा रहे हो, इधर तस्वीर ले। ठीक है। मिस्टर अकबर, आपकी टीम के मैचेस का स्केड्यूल। ठीक, हमारा पहला मैच किसके साथ है? इस्लामाबाद हंटर्स के साथ है। ठीक है ना? सबका ख्याल रखेगा, खुदा हाफिज। हाय, सॉरी मैंने आपको डरा दिया। अगर आप माइंड ना करें, हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी। मेरा नाम अलीना है, मैं अमेरिका में कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। आजकल छुट्टियों के लिए आई हुई हूँ। आई वर्क फॉर अ स्टूडेंट मैगजीन और हम क्रिकेट टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं। जी जी, खाना खराब, कुछ तो शर्म करो। ओह सॉरी, मेरा मतलब है क्रिकेट कब खेलना शुरू किया? मैंने ना बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बचपन से ही शौक था? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जब आफरीदी भाई को देखा था ना तो मुझे शौक पैदा हो गया। रियली? अच्छा, घर में बहन भाई है? मेरी ना एक, ये तो वाकई बच्ची है। अच्छा, वो क्या करती है? कप्तान ने फायदा उठा लिया जल्दी आने का। नहीं जी, पर बचपन में ही हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों का मैच का रिकॉर्ड देखा था, उसमें लग रहा था कि nobody expected you guys to win. Win? Good win जी, good win. Sorry, मेरा मतलब था कि किसी को आपकी टीम से उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए। आप इस्लामाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है जी? कोई तो पैगाम होगा। हाँ, वो बच्ची बसा ली। एक्सक्यूज मी, आई लव यू बोल दे। हाथ से नहीं जाने देना। वो आर यू क्रेजी? ओ नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। फिटे मुंह तुम लोगों का, क्यों? भाई की खुशी देखी नहीं आती है, अभी तो बात करनी शुरू की थी। तुम्हारी बहन को मैं पहन दूंगा। मिस्टर आसिफ कुरैशी, योर क्लब इज सिंपली आउटस्टैंडिंग ऑन पेपर। वेल, नॉट ओनली ऑन पेपर बट ग्राउंड आल्सो। इस्लामाबाद हंटर्स ने अभी तक एक मैच भी नहीं हारा। हाउएवर योर ग्रैंडसन प्लेज काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड। आई नो, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो वहाँ पढ़ने के साथ साथ काउंटी भी खेलता रहा, और आज इस्लामाबाद हंटर्स उसके काउंटी एक्सपीरियंस से फायदा भी उठा रही है। मेरा मतलब ये नहीं था। अपनी वीकनेसेस की जस्टिफिकेशन हमारी स्ट्रेंथ में मत ढूंढे। लेकिन आपकी टीम में इस्लामाबाद की रूलिंग एलीट क्लास के लड़के खेलते हैं। 95% ऑफ इस्लामाबाद डजंट इवन नो हाउ टू प्ले फॉर योर टीम। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इन प्लेयर्स की टूटी फूटी इंग्लिश से जान छुड़ाएं। इसीलिए मैंने एजुकेटेड लोगों की टीम तश्कील दी है। अब ये लड़के अगर नेशनल टीम में हुए तो बगैर किसी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी के ये फॉरेन प्लेयर से बात कर सकेंगे। एक्सक्यूज मी सर। गुड। आई फॉरगॉट टू टेल यू वी आर थ्रोइंग अ पार्टी इन द ऑनर ऑफ आवर यंग प्लेयर्स। वे पैसा ही बड़ा लाता है यार। ये पाकिस्तान है या फिर अमेरिका? ओ यार ये क्या बदतमीजी हो रही है। गौर से सुन लो, कोई कुछ पिएगा नहीं। यार वो मोटा जब भी देखो किसी ना किसी औरत को जब भी डाल के खड़ा होता है यार। एक आदमी का इतना बीवी कैसे हो सकता है? और ये बीवी वाली जब भी नहीं है। कितने की है भाई? फ्री है सर। और जान दे यार, जान दे कितने फ्री है। मैं फेमस ही बहुत हूँ, क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे खुद ही आती हैं। ओ यार बट्टा आया हुमायूं सईद। पार्टी हो रही है पार्टी। वो कैसी पार्टी यार? लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। ओए अच्छी बात है। और वो बच्ची चक्कर बच्ची नहीं यार। आप कैसी हैं? ठीक। वाह काशी, वो बताया था ना तुझे वो साले वाली रिपोर्टर। ओह अच्छा, याद आया। कैसी लगी है पार्टी? पार्टी मैंने तो देखी नहीं, आंखें खुली। ओ जी बस ठीक है। वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से पार्टी काफी अच्छी है नहीं? ओ जी कभी हमारे साथ पार्टी करें। ओ पूरा सियालकोट झूम रहा होता है। रियली? एक मिनट। ओ हमारे यहाँ तो 14 अगस्त और सिर्फ चांद रात को ही नाचते हैं और तू सारा सियालकोट। जी? ओ जी कह रहा है इसने आपसे बड़ी सारी बातें करनी है, लेकिन बेचारे को कभी कल्ले में मौका नहीं मिला ना। काशी के बच्चे, मैंने ऐसा कब कहा? ओ जी ये बड़ा शर्मीला है। ओ स्वीट अलीना मैडम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी। आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? नो। और देखा ओ जी बहुत आला, आप दोनों बातें करें, मैं भी आया। आप सियालकोट के बारे में कुछ बता रहे थे। आप क्या सुनना चाहती हैं सियालकोट के बारे में? आप अपने बारे में कुछ बता दें। मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूँ। सियालकोट ना बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम स्पोर्ट का सामान ना वहीं से जाता है और वहाँ शोएब मलिक भी है और तो और सानिया मिर्जा भी वहीं पर है। आप बहुत क्यूट हैं। हैं जी। अरे मियाँ साहब इनसे मिलिए, ये हैं सियालकोट की टीम के मालिक मलक खालिद। आपकी टीम से हमारा पहला मैच। हाँ। और ये है सियालकोट के कोच अकबर दी। इनकी टीम को टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स कहा जा रहा है बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो तो होनी ही थी। इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस काम आया होगा। ओके गाइज यू कैरी ऑन प्लीज। वाह तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा। छोड़ने की आदत आपके यहाँ पाई जाती है, मेरे यहाँ नहीं। किस्मत मिले भी तो ऐसी जगह जहाँ मैं तुमसे खुल के मिल भी नहीं सकता। मुझे इजाजत नहीं मलिक, कोई जरूरत नहीं है। मियां आसिफ कुरैशी अपनी बेटी का घर तो तबाह करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस क्राउड के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं। मैं तुम्हें। हाँ जी, क्या बातें हो रही थी? मियां आसिफ कुरैशी साहब अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि इनका दामाद एक्स क्रिकेटर रह चुका है। ओह रियली? मैं भी कहूं कि उसमें इतना टैलेंट कहां से आया? बाप ही से आया होगा। एक्सक्यूज मी। चलो भाई, एंजॉय द पार्टी। थोड़ा पानी दीजिएगा प्लीज। पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूं? कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो? Hey Sama, look, even the baggers are here. Baggers in the party. Hey, तुम लोगों के शहर में कोई डांस वांस भी होता है कि ऐसे ही उठ के आ गए हो? Dance? They can't even play cricket. Let's go, baby. सियालकोटियां दी हिस्ट्री नहीं जानता ओ गोरे बिचली तू मिस्ट्री जदों टुटेगी धड़क नहीं रहना कोई शक चाचा वड्डियां नू फोन कर अंग्रेजा तेरी मुजरा खत्म। चल निकल यहाँ से। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। गिरेबान छोड़। बिल्कुल। Enough Mikan, let's go. I'll take leave now. But ये ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो. Please, good day. My foot. मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारे खानदान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है. वैसे तो नहीं पहुंच सकता. अब गली मोहल्लों की टीम बनाकर यहां आ गया. मैं भी देखता हूं वो लड़के कैसे खेलते हैं. उनको तो मैं कुछ नहीं करेंगे. वो टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लाया है ना, उसका जवाब भी मैं उसको ग्राउंड में दूंगा. टॉस के लिए इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाहीन्स के कप्तान तैयार, और टॉस जीता है इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल ने, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया. तो इब्तिदाई से राइवलरी दोनों कप्तानों के दरमियान, और बिल्कुल सही कहा शाहिद ने कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. शायद इसीलिए यहाँ पर मिकाल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, और यहीं से इस मैच की गर्मा गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहला मैच इस टूर्नामेंट का. हेलो, इधर इधर इधर, क्राउड पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये इन लोगों का होम ग्राउंड है, और रात के वाकये को अपने जहन से निकाल कर खेलना है. हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं. मैच की पहली गेंद, और जिस तरह से आगाज किया इसी से ही अजायम का इजहार होता है. पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने, और ताबड़तोड़ स्ट्रोक से खेले जा रहे हैं. ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज स्कोर की जा रही हैं, और बहुत ही मुश्किल में है शाहिद भट्टी सियालकोट शाहीन्स के कप्तान. एक और चौका हासिल किया. कोच की स्ट्रेटेजी इस वक्त बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स के जो बैट्समैन है होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने में कामयाब है. जो होना था हो गया, घबराने की बात नहीं है. हमें सिर्फ 225 रन पे फोकस करना है. अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं. पहले भी कहा कि क्राउड पे ध्यान नहीं देना है. यूं समझो कि हम सियालकोट में खेल रहे हैं. साद, तुम टीम के साथ ओपन करोगे. कोच, मुझसे पहले साद को क्यों भेज रहे हैं? तुम बैठ जाओ अभी. कोच समझा करें, अगर शुरू में प्रेशर पड़ गया तो लड़के कैसे बनाएंगे स्कोर. ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है. और शुरू के 6 ओवर में तो रन बनाने हमने. मैंने कह दिया है. नहीं कोच प्लीज. और चल यार तू पैड बन यार, पैड बन. ठीक है. और चल टीम तू भी पैड बन यार. सियालकोट शाहीन्स के लिए शाहिद भट्टी और शेख इनिंग का आगाज करते हुए बड़ा उम्दा आगाज. पहली गेंद पे उठता हुआ स्ट्रोक, फिल्डर गेंद के पीछे. 225 रन चेस करने हैं और इस किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे शाहिद भट्टी को. अगली गेंद, एक और उम्दा स्ट्रोक, फिल्डर गेंद को नहीं पहुंच सके, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. इम्प्रोवाइजेशन और बाहर कर दिया. मुश्किलात में इजाफा होता हुआ के लिए उनके जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन शाहिद भट्टी आउट होकर वापस पवेलियन में. नए आने वाले बैट्समैन माइकल, अब देखना यह कि क्या अपने से वाबस्ता तवक्कात को पूरा कर सकेंगे या नहीं. और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकटें गिरती जा रही हैं. कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का चांस, और एक और विकेट हासिल की इस्लामाबाद हंटर्स ने. कोच के चेहरे पे परेशानी, डगआउट में परेशानी. माइकल तमाम तर उम्मीदों का मरकज, सामना करने के लिए तैयार. उठता हुआ स्ट्रोक माइकल की जानिब से, और उम्मीदों की शमा रोशन की अपने स्ट्रोक के जरिए. गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. एक और उम्दा स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माइकल कामयाब. डगआउट में खिलाड़ियों ने तारीफ की इस स्ट्रोक की. इस मरतबा गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया. इस्लामाबाद हंटर्स के बॉलर्स और फील्डर्स दबाव डालते हुए मिकाल हर वो मुमकिन हर बात करते हुए जिससे बैट्समैन पर दबाव पड़ सके. इस मरतबा अपना बदला लिया और क्रीज पे से हट गए सामने से. डर गया की कोशिश की माइकल ने. एक अच्छी राइवलरी दोनों टीमों के खिलाड़ियों, ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि ऑफ द ग्राउंड भी. अंपायर से शिकायत की मौलवी मजीद ने. माइकल खेलने के लिए तैयार. आखिरी विकेट इस वक्त मौजूद है. सियालकोट शाहीन्स की रन लेने की कोशिश. मजीद और माइकल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, रन आउट होने का खतरा, और यकीनी तौर पर रन आउट हो जाएंगे. तो इस तरह इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की. इब्तिदाई मैच अपने नाम किया. माइकल और मौलवी दोनों सर को झुकाए हुए, दोनों जानू इस वक्त पिच पर मौजूद है, और इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ी अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए जुबिलेशन सेलिब्रेशन देखी जा सकती है इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ियों के दरमियान. और ये सर को झुकाए हुए एक जानिब कहीं खुशी और दूसरी जानिब कहीं गम के मनाजिर आप देख सकते हैं. और शक्लें तुम लोगों की देखने वाली थी। और तुम लोग मैच खेलने आए थे या किसी के कुलों पे आई थी? है मलक साहब वो खेल गया था रहे थे, इतना स्कोर मारा उन्होंने। हाँ हाँ तो विकेट छोड़ के खलो जाना सी। वो खाना खराब हर बॉल के लिए उनके पास एक शॉट था। हम क्या करता है? तो कह देते ना हमें, हम उनसे कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तुम बल्कि तू और तू एक बॉल नहीं पकड़ सका। मलक साहब क्राउड दरना शोर सी फोकस ही नहीं हो रहा था। और कुड़ियों से फोकस हटता तो बॉलों पे फोकस करता ना। और बैटिंग के टाइम पे क्या हो रहा था दसो? और तुम लोग विकेट ऐसे दे रहे थे जिनमें मोहम्मद दुआमा दे दिया ने और मैग्नेट। और तू 20 ओवर पूरे नहीं कर सका। अब बस घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। और मलिक साहब वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे। और केड़िया गाला करने बस कर मलिक। और नहीं यार मेरी सारी जायदाद दांव पे लगी है, मैं तो पेंशन हो गया। मैं जानता हूं बड़े मैच का प्रेशर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में जाकर खेले तो इसका मतलब वो तो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सपोर्टिंग क्राउड ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि तुम लोग शाहिद पे बहुत भरोसा करते हो। शाहिद के आउट होते ही तुम लोग की लाइन लग जाती है, इसीलिए मैं शाहिद को ओपन नहीं करवाना चाहता था। कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं, पूरी टीम से जीता जाता है। हेलो फोन बंद कर यार तू। मलिक साहब वो न्यूज़ पर। और क्या न्यूज़ पर? मिकाल इज दैट ट्रू? जी, ऑल्दो ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था। मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कोच को भी नहीं पता ये बात। मैं उनको इस बात से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा था कि वो मेरे फादर की टीम के अगेंस्ट खेल रहे। लेकिन आपने अपने फादर को इस्लामाबाद हंटर्स का कोच क्यों नहीं बनाया? देखिए अब हमारे उनके साथ कोई लिंक्स नहीं है। जैसा कि कुछ लोग वाकिफ होंगे कि 15 साल पहले वो ड्रग स्कैंडल में पकड़ा गया था। चिराजी साहब करना पड़ता है, जीत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खास तौर पे जब हारने की आदत ना हो। $5,000 फॉर दिस स्पॉट। डन। आने दो, आने दो। चिराजी साहब एक्सक्यूज मी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आपने अच्छा नहीं किया। देखो अकबर, आजकल ऐसी बातें कहां छुपी रहती है। छुपी रहती है अगर आप चाहते तो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी तरह तो तुम अपने बेटे के काम आए। एक इंटरव्यू ने, सिर्फ एक इंटरव्यू ने उसे इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया है। सबकी नजरें मिकाल पर हैं। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं। मीडिया इज लविंग हिम एंड ही इज लविंग द अटेंशन। वो मेरा बेटा है, आपकी बिसात का कोई मोहरा नहीं। सही कहा, अगर मोहरा होता तो कब का तुम्हारी तरह उठा के बाहर फेंक चुका होता। मैं? तुम नहीं, मैं। तुमने जो करना था 15 साल पहले कर चुके हैं। अब मेरी बारी है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और ये घटिया आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं ये गेम हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। बहुत खेल लिया गली मोहल्ले वालों ने। इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। ये गेम इसलिए नहीं बना था कि तुम जैसे सड़क छाप इसमें गन मारे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ख्याल में मैं इस टीम पर यूं ही पैसा लगा रहा हूं? इस टूर्नामेंट के बाद ये टीम इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ लीग मैचेस खेल रही होगी। 5 साल के अंदर मैं इस टीम को पाकिस्तानी टीम से बड़ा स्टार बना दूंगा। और 5 साल बाद इस टीम के लड़के तुम्हें पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी इन 65 सालों में पाकिस्तान की गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज तो दूर कर दी गई है, सिवाय क्रिकेट के। अब वक्त आ गया कि ये भी उनकी पहुंच से दूर कर दी जाए। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, तुम या तुम्हारी सड़क छाप टीम? कहां से लाओगे ऐसी फैसिलिटीज, टैलेंटेड प्लेयर्स, पैसा, फॉरेन कोचेस? इस्लामाबाद हंटर इज अनबीटेबल। हमसे तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इस टूर्नामेंट के शुरू में मैंने भी एक मां से यही सवाल किया था। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? दूसरों के पास चाहे दुनिया की हर चीज हो, लेकिन वो जान अमाज पे गिड़गिड़ाती मां की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आज तुम लोग हार भी जाओ तो कम से कम ऐसे हारना कि एक दूसरे से आंखें मिला सको, क्योंकि आज हार तुम 11 लोगों की नहीं होगी, सियालकोट के 10 लाख लोगों की होगी। अम्मी जी, आज तेरे लिए तो मैं अपने अदमान तोड़े बेख्याल, तुम मेरा मान न तोड़। किया क्या डॉक्टर साहब ने? अब्बा जी, वो कहता है दिल का मामूली सा दौरा था और हम लोग तमा समझते रहे। डॉक्टर कहता है दिल की नालियां भी बंद है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, वो अम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों के बारे च फैक्ट्री वाले ने गल की थी मैनेजर से बात। अब्बा जी, वो कहता है 50-60 हज़ार तो दे सकते हैं, पर अब्बा जी डॉक्टर कहता है 7-8 लाख का खर्चा है। 7-8 लाख? अभी अभी खबर मिली है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हंटर्स ने कराची लायंस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। Come on now, cheer up। देख लेना, तुम वापस फॉर्म में आ जाओगे। पिछले 3 मैचों से यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर बॉल है कि बैट पे मिडल ही नहीं होती है। और शायद कोच बुला रहे हैं यार। आता हूँ, 2 मिनट। देखो, फेसबुक पे मैंने तुम्हारा फैन पेज बनाया है, इतने सारे फैंस हैं अभी से। देखो क्या फायदा, मुझसे ज्यादा फैंस तो मिकाल के होंगे। तो who cares? मैं तो उसकी फैन नहीं हूं ना। क्यों? अमीर है, खूबसूरत है, पैसा है उसके पास। और वैसे शायद कोच बुला रहे हैं यार। वो कोच से बोलो रुक जाए, क्या मौत पड़ी है। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलना ये मौत पड़ी है। ये मत भूलें कि हम यहाँ टूर्नामेंट खेलने आए हैं। लाहौर की टीम पिछले 3 साल से फैल्कन ट्रॉफी जीत रही है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। उनके 2 खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए अगर हमें यह मैच जीतना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ हो। कोच मैं तो सिर्फ मैं नहीं सुनना चाहता कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। वो बेचारी तो क्या बेचारी। हाँ, ऐसी बेचारियां तुम्हें बहुत मिलेंगी आगे। पहले वो कर लो जो करने आए हो। इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है, फिर तो आप शुक्र करें। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? यार छठ यार की हो गया। एक मिनट क्या शुक्र करूं? पिछले 2 महीने से कुत्ते की तरह रात दिन एक कर रहा हूं मैं, और उस टीम के जीतने पे शुक्र करूं मैं? साला उस टीम का बाप लगता हूं मैं जो शुक्र करूं। उस टीम के कप्तान के तो लगते हैं ना। क्या बोला? कोच कॉलर छोड़े। छोड़ दे अकबर, कॉलर छोड़े कोच। मेरी नियत पे शक किया तुमने? हाँ, अगर इतनी ही नियत साफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपका बेटा है? और ये क्यों नहीं बताया कि 15 साल पहले आपको चर्सी और जानी होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया था? अकबर, हर मैच के बाद मेरी परफॉर्मेंस की बजा रहे होते हो और अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते। ओ यार एक मिनट समझ करो, चुप रहे। खानदान का नहीं हो सकता हमारा, क्या होगा? नहीं खेलने मुझे क्रिकेट से खेलने लगे। छोड़ मुझे, चल अंदर बाहर चल, निकालो इसे। बस कर दे यार, बड़ा है वो। चुप जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। बड़ा अपने आप को समझता पिया है। छटो यार, बस मैं कह लिया। ये तो बाहर है टीम से, और तुम में से भी अगर किसी के यही ख्याल आते ना तो दफा हो जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूं। यार की करे क्या हो अकबर? वो सारी टीम का कप्तान है ना यार। कैप्टन था है नहीं। टीम, अब से तुम कैप्टन हो, टॉस की तैयारी करो। पता नहीं की हो इंडिया, सब बकवास। लाहौर थंडर्स, amateurs out of their mind. What a performance. Can't really blame these people, can you? You should never have put so much hope in their hearts. It's wrong of you. They never amount to anything but street players. Enjoy your life in Sialkot. Just one more thing. What is it you Muslims say amongst each other again? मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? Rain? Impossible. और बादल बरसना शुरू हुए और इस बारिश के जरिए मौका मिल गया है सियालकोट शाहीन्स को कि इस मैच में कमबैक कर सके, क्योंकि बैटिंग करते हुए उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा खराब थी और डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत अब एक ओवर में 13 रन स्कोर करने हैं लाहौर थंडर्स की टीम को। और क्या काशिफ उर्फ काली आंधी सियालकोट शाहीन्स के लिए ये रन सेव कर सकेंगे या नहीं? पहली गेंद करने के लिए तैयार काशिफ आए, ऑन साइड पर बैट्समैन ने खेला, आसानी के साथ एक रन चहलकदमी के अंदाज में मुकम्मल किया और दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन ने वापस क्रीज में लौटने पे मजबूर कर दिया। साथ ही बैट्समैन को एक दफा फिर आया शॉर्ट बॉल, गेंद की लाइन को मिस किया और टेंशन मुसलसल बढ़ते हुए दोनों टीमों के डगआउट में। और इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक के लिए फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद दो फील्डर्स को बीट करने के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अब 3 गेंदों पर 8 रन दरकार। एक और शॉर्ट बॉल उठा हुआ स्ट्रोक, इस मौके पर फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अब 2 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं। देखना यह है लाहौर थंडर्स इस मैच में इन 2 गेंदों पर 4 रन स्कोर कर सकेगी या नहीं। एक और शॉट, इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, तो 2 रन का यकीनी तौर पर स्कोर में इजाफा हुआ। तो अब क्या काशिफ और काली आंधी 2 रन को सेव कर सकेंगे या नहीं, या बैट्समैन राणा जावेद मिदाद की तरह आखिरी गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो सकेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होता हुआ लाहौर थंडर्स के सपोर्टर लाहौर की टीम को सपोर्ट करते हुए। काशिफ बॉलिंग के निशान पे तैयार, तमाम तर टेंशन इस वक्त ग्राउंड में मौजूद और आसमान की जानिब निगाहें काशिफ की जानिब से। आखिरी गेंद, इस गेंद पर फैसला होगा इस मैच के नतीजे का। ना मेरा पुत्र ना, तू तो अपनी मां भैन का फखर है, तेरे सहारे ते ते ओ जिंदा ने, मगर मैं तो उन्हां दा एक ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकिया। मेरे पुत्र दे सारे ख्वाब पूरे होंगे, कुछ नहीं हुंदा तेरी मां नूं। चलिया ओए, हाले ते तेरी मां नाल मैं बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने। आहो मगर इन्ने पैसे कितों? शायद घबराना, अज तेरी मां दी खातर तेरे प्यो नू अपना आप भी बेचना पिया, ते बेच देगा, पर तू फिक्र ना करी पुत्र। जेड़े रब ने तेनू इथों तक लिया है ना, वो पार भी कराएगा। पाजी ओ मेरा पुत्र, सही कह रहे हैं भट्टी साहब। कोच, स्टेडियम के बाहर चाहे मेरा एक बेटा हो, लेकिन उसके अंदर मेरे 11 बेटे। Mr. Nick, you have been very confident of your team. Of course, Amin. You can't really blame us for that now, can you? But as we know, cricket is by... Look, mate, I have every confidence in the world that tomorrow's match will be like every other match we played this season, okay? और रिजल्ट्स भी वही होंगे जो पिछले मैचेस में आप लोग देखते आए हैं। लेकिन सियालकोट शाइंस तो बहुत ऊपर आई है। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि कौन ऊपर आया है कौन नहीं, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी टीम टॉप पर है और रहेगी। शाहिद, आपको आपकी टीम में शाहिद आफरीदी भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। जी मुझे मालूम है। वैसे आपके कोच से आपको कुछ टिप्स मिले? जी यही कि कोशिश किया करो कि हर बॉल में डलो और नशा करके गेम खेलने के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इस किस्म के रेपुटेशन के कोच के साथ इन लोगों को और सीखने को क्या क्या मिला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो आपके वालिद हैं। वरेवा, मेरा इस किस्म के आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। खामोश निकाल, चुप, उंगली नीचे रख के बात करें। देखो मैं जैसा भी हूँ, मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। फिलहाल उसी के बनिए जिसके साथ बैठे हुए हैं, और क्या पता उस क्लब डांसर की तरह इसकी। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी पकड़े नहीं गए होंगे। लकी है तेरी माँ। चुप होए। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाहीन्स के कप्तान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। लोगों का ये कहना है कि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट पर एक बदनुमा दाग है। अब ये सड़क छाप टीम मियां आसिफ कुरैशी की टीम से जंग लड़ेगी। ये दो टके का आदमी, he wants to bring me down. I'll teach him a lesson. Nothing like that is happening. Tomorrow night we're gonna lift that cup and ask for the Akbar guy. When has he ever created a problem for you? तुम साले गोरे लोगों को सही वक्त पर सही बात करनी आती है। 15 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ेगा? बड़ा राइजिंग स्टार बना फिरता था, लेकिन ने उसे ज़र्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसकी तकलीफ मुझे कल स्टेडियम में नजर आए। Who do you want to choose from the team? If I was to choose someone, I'd choose someone that they couldn't replace. I go for the wicket-keeper, Michael Magnet. Wow. I like it. Right. Cheers. Hello, Akbar. माइकल कहाँ है? टैक्सी! ओ टैक्सी और रुक जा भाई। हाथ चाहिए, हाथ। माइकल, क्या हुआ इन्हें? सर काफी इंजर्ड है, खून बहुत ज़्यादा हो गया। इनको सीधा ओटी में लेके जाएं और आईवी लाइन मेंटेन करें। अकबर, क्या होया? माइकल को कुछ लोगों ने मारा है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड। वैसे तो इनके लेफ्ट हैंड में हेडलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इनका जख्म गहरा होने की वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जो कि बहुत रेयर है। डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फौरन खून का इंतजाम कीजिए। आपने जो सैंपल्स दिए थे उनमें से कोई भी ओ नेगेटिव नहीं, लेकिन 3-4 लड़के और भी हैं। तो प्लीज बुलवाएं उनको, बल्कि आप पहले उनसे मालूम करें अगर किसी का ओ नेगेटिव हो तो। वक्त बहुत कम है, प्लीज। की कह रहे हैं डॉक्टर? ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। सैंपल्स भी मैच नहीं हुए। तुम में से है किसी का ओ नेगेटिव ग्रुप? 3, 7। कहां से लाऊं मैं वो नेगेटिव? कोच, हमारा वो नेगेटिव। मौलवी, तू ते माजूब एक नहीं है तो क्या हुआ? बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है ना? जितना खून निकालना निकाल लो कोच खाना, लेकिन उसका जान बचना चाहिए। शाबाश। बच्चे को होश आ गया है। आप में से जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो मिल सकते हैं। ओ शुक्र है मालिका। सिर्फ घर वाले जा सकते हैं। भाई हमारा अपना आएगा, अपना भाई है, भाई है अपना, ओए भाई है, प्राय भाई हैगा सक्का प्राय। मैं फाइनल खेलूंगा ना कोच, मुझे फाइनल खिलाना कोच। मुझे फाइनल खिलाना मलिक साहब, मुझे फाइनल खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाएं। मलिक साहब मुझे मैच खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाना। कप्तान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ओ यार अकबर, तेरा क्या कसूर है? वो जिसने ये हरकत करवाई है, असल खबीसु नस्ल तो वो है। अकबर, यार अल्लाह सब ठीक कर देगा। है? मैं क्या करूं मलिक, बीवी बेटा करियर सब कुछ छिन गया मुझसे, और क्या क्या कुर्बानियां दूं। अब मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है, यही कि मैं गरीब था, यही कि मैं इन गरीबों का साथ दे रहा हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। ओ यार अकबर, जब इतने सारे सवालात हो ना तो एक ही जगह से जवाब आता। यही है वो जगह, यही है। 15 साल से एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, पर इतना इम्तिहान क्यों? अगर इसी मुकाम पे लाना था तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों खड़ा किया? मुझ में मजीद इम्तिहान की हिम्मत नहीं है, इस इम्तिहान को खत्म कर दे। इतना भी गुनाहगार तो नहीं हूं ना मैं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं। कौन कहता है कि अल्लाह सिर्फ अपने गुनाहगार बंदों का इम्तिहान लेता है? मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अब्बा माफ कर दो। मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तयन किया है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं, इस मुल्क का गरीब उतरेगा। हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो, लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे, कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे। आज तुम नहीं हारोगे। Just you watch a whole lot of talent get taken over by a little bit of science. सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली ये टीम बॉलिंग करने जा रही है। आजा। ठीक है, और कोशिश करने के बॉल मिडिल। वो यार खान कोच ने किया दूजा तू संभाल लेगा यार। सही तो कह रहे। वो यार तुमको दोस्ती का वास्ता है यार, ये ओवर हमको कराने दो। दे दे काशिफ, दे दे। शाबाश शाबाश शाबाश। मजीद मौलवी पहला गेंद करने आए हैं जोर से भागते हुए, देखते हैं कि पहला गेंद वो क्या करते हैं। पहला ही बॉल बाउंसर और बैट्समैन जमीन के ऊपर। व्हाट अ बॉल! और गुस्से से घूरते हुए मौलवी मजीद मारना छोड़े। मजीद मौलवी गेंद करने आ रहे हैं, दूसरा गेंद है उनका। उन्होंने गुस्से से बैट्समैन की तरफ देखा, भागे, देखते हैं ये कौन सा गेंद करते हैं। उन्होंने गेंद की, बैट पे गेंद लगी जोरदार अपील, लगता है कि वो आउट हैं। मगर ये क्या, मौलवी मजीद सबको कह रहे हैं खामोश रहो। और ये अपील क्यों नहीं कर रहा यार? अभी हम नो बॉल करा के तेरा सर पड़ेगा, बच गया तो फ्री हिट ले लेना। मौलवी मजीद तीसरा गेंद करने आए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बैट्समैन कांपते हुए। मजीद मौलवी आए, गेंद की और बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छा बॉल विकेटों के दरमियान। मियां साहब व्हाट अ स्टार्ट! पठान को बेवकूफ समझता है। ओए क्या बात है मौलवी! शाहिद भट्टी बॉल कराने आए, कप्तान है, राउंड द विकेट गेंद करेंगे। विकेट कीपर तैयार, आए, गेंद की मिस कर दिया माइकल मैग्नेट ने। व्हाट अ मिस! मैग्नेट को पहले ही चोट लगी हुई है, शायद यही वजह है कि उनके हाथ में गेंद नहीं आई। फ्लिक किया स्क्वायर लेग की तरफ, मिस फील्ड और ये 4 रन। बॉल की बॉलर ने गेंद की, स्क्वायर कट, जबरदस्त किस्म का फ्लिक। 203 रन बनाना है सियालकोट शाहीन की टीम को। इस्लामाबाद हंटर्स की शानदार बल्लेबाजी, 203 रन का हदफ सियालकोट शाहीन के। बॉल की रिटर्न शॉट, कैच छूट गया, जोरदार हिट और पुल शॉट। और सिकंदर यहाँ आया, इनका पहला ओवर तो खत्म हो गया। और अब देखना यह है कि कप्तान मिकाल अगले ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं। डकआउट से कोई इशारा कोच का, वो क्या कह रहे हैं? मिकाल खुश नहीं है इस बात पर, लगता है कि कोई नए बॉलर की तरफ इशारा किया जा रहा है। और बॉलर आ गए हैं, फहाद बॉल कराओ और ये बताओ कि फील्ड क्या सेट करनी है। जो फील्ड है वही रहने दो, जिस हिसाब से बॉलिंग कराओगे उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ेगी। बस कीपर से कहो 4 फीट पीछे हो जाए। बैट्समैन ने स्टांस लिया, दौड़ना शुरू किया उन्होंने। फहद इस मैच में क्या करेंगे? 153.9, व्हाट अ बॉल! शोएब अख्तर का प्राग तो आ गए। फहद अपना दूसरा गेंद करने आ रहे हैं, देखते हैं कि पहला गेंद तो बहुत तेज किया था कि दूसरा गेंद कितना तेज करते हैं। वाओ, व्हाट अ बॉल! इतना तेज, बॉल की स्पीड इतनी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां से गई। और फहद अगली गेंद करने के लिए तैयार, तमाशाइयों का जोश उरूज पर। फहद ने गेंद की और 7 बोल्ड हो गए। मिडिल स्टंप, 2 और यूं लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स ने फिर सियालकोट शाहीन्स के पर को उतर दिया। और ये फहद का जज्बाती अंदाज, बैट्समैन को कहा पवेलियन वापस जाओ। और लंबी डाइव, बेहतरीन रनिंग और रन आउट मिस, खूबसूरत। डगआउट की तरफ हेलमेट का इशारा, कवर ड्राइव्स, क्विक कट, बहुत अच्छी रनिंग, बोल्ड, बेहतरीन डिफेंस, खूबसूरत शॉट, एक और बॉल। नवाजिश तुम जाओगे। कोच क्या हो गया? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बैठ जाओ आराम से। ओ अकबर यार 5 खिलाड़ी आउट हो गए ना, की करंट है। मुझे किसी भी तरह ये 5 गेंदें गुजारनी है। ठीक है सुनो, कुछ भी हो जाए ये 5 गेंदें खेलनी है तुमने, समझे? जान क्यों निकली हुई है? जाओ, कमान, घबराओ नहीं। नवाजिश संभाल के, शाबाश शाबाश। और सिकंदर यहाँ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है सियालकोट शाहीन ने, और फहद जो तबाही फेर रहे हैं उनके आगे एक और बैट्समैन को भेजने के बजाय एक नॉन रेगुलर बैट्समैन आया है। देखिए फहद क्या करते हैं इस बार, और ये फुलटो सीधा जिस्म पे लगा। ओए यार, नवाजिश नीचे गिर गए। नवाजिश जल्दी आ, जल्दी। चोट लगी उसे, देख के आओ। इसकी तो कोच, अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया, तुम बैठ जाओ आराम से। कोच, वो हमारे सर पे सर फाड़ रहे हो और आप कहते हैं बैठे रहो। जो भी कर रहे हैं मैंने तुम मना किया है ना। पर लड़न रहे हो, जिन्हें जाना सी वो चला भी गया। सियालकोट शाहीन का एक और सरप्राइज, और अब मजीद मौलवी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तेज तूफानी पहाड़, मजीद मौलवी ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में। एक बार फिर मैच में ट्विस्ट। ये तुम्हारा पापा के लिए। बॉलर के गुस्से पर बैट्समैन का गुस्सा हावी दिखाई देता है। कवर ड्राइव, फुल टॉस सरों के ऊपर से ड्रेसिंग रूम में। जो लेके आओ ये तुम्हारा मामा के लिए। जज्बात उरूज पर, क्रिकेट जंग में बदल गई है। गुस्सा हो गए हैं। और गेंद इस बार मजीद मौलवी के पल्ले में नहीं आई, और इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद 3 गेंदों पहले की जा रही थी। शायद अब तुम जाओ और हुक नहीं करना। कोच, अब मैच में रह ही क्या गया। 106 रन, जब शाहिद अफरीदी 37 गेंदों पे सेंचुरी बना सकता है, तुम्हारे पास तो 54 बॉल्स हैं। जाओ। अब नए आने वाले बैट्समैन हैं सियालकोट शाहीन के कप्तान शाहिद। पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाता हुआ। बहुत ही जारहाना बैटिंग है शाहिद की, और इस दफा रनआउट का खतरा। भागे बॉलर, बीच में आ गए और यहाँ रनआउट हो गए हैं। की बकवास है यार। सियालकोट शाहीन को एक और सदमा। ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि शेख बहुत देर से खेल रहे थे। ये बहुत बुरा हुआ है। लगता यह है कि बैट्समैन ने बिल्कुल नहीं देखा बॉलर को, और बॉलर की बैट्समैन की तरफ पता नहीं चला, दोनों आपस में टकरा गए और शाहिद भट्टी फिर चल पड़े। शॉट लग रहे हैं, रन कम हो रहे हैं, हर गेंद पर रन बन रहे हैं। शाहिद भट्टी के ऑन द शॉट। हमीद ने सीधा खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में और वो आउट हो गए। संभाल के काशिफ। इंतहाई गैर जिम्मेदारी, काशिफ काली आती आउट। नए आने वाले बैट्समैन है माइकल मैग्नेट, और साथ देंगे वो अपने कप्तान का। हाथ उनका पहले ही इंजर्ड है। सियालकोट के लिए हालात गंभीर। 7 गेंदें 22 रन और सिर्फ 1 विकेट इस्लामाबाद हंटर्स को। माइकल यार तू, ओ ये देख, बैट उठा सकता हूँ मैं, और हमारे लिए कितनी कुर्बानी देगा। अगर आज पीछे हट गया ना शायद, तो आइंदा कभी किसी की माँ अपने बच्चे को ख्वाब नहीं दिखाएगी। चल जा शाबाश। माइकल मैग्नेट ने सिर्फ रोकना है, इसलिए कि 6 बॉलें अगर शाहिद भट्टी को मिलती हैं, तो शाहिद भट्टी जो हैं वो ये मैच जिता भी सकते हैं। बात का हैट्रिक बॉल सीधा माइकल। तू ठीक तो है ना? हाँ, टूटे हुए को और क्या तोड़ेंगे यार। इसका ओवर खत्म हो गया ना, बस यही करने आया था मैं। मगर तेरे तो खून निकल रहा है। मैं एम्पायर को पता चल जाएगा। उठा मुझे। अच्छा उठ शाबाश। और अब सियालकोट शाहीन के लिए सूरत हाल कुछ इस तरह। 6 गेंदें बाकी 22 रन और 1 विकेट सियालकोट शाहीन के पास। और अच्छी खबर उनके लिए ये कि कप्तान शाहिद भट्टी के पास स्ट्राइक। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल गेंद की योग करना चाहते थे, कोई रन नहीं बनेगा। 1 गेंद जाया हो गई। मिकाल की अगली गेंद शाहिद भट्टी के बल्ले पर, हवा में, और गेंद बाउंड्री के बाहर। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत ही खूबसूरत शॉट। और मिकाल की अगली गेंद शॉर्ट गेंद, शाहिद भट्टी ने छोड़ दिया। अंपायर अपनी जगह खामोश खड़े हैं। अंपायर के रवैये पर हैरान कुन तौर पर। मुझे हैरत है, बैट्समैन ने भी इशारा किया मगर अंपायर ने कहा कि नहीं, ये वाइट बॉल नहीं है। अंपायर खरीद लिया इन्होंने। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल एक बार फिर और इस ओवर में ये दूसरा छक्का होगा। अब कोई चांस नहीं है, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, बड़े छक्के लगने हैं, या तो चौका या छक्का, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कम ऑन, 2 गेंदें 10 रन। निकाल के अगली गेंद को कवर में खेला है शाहिद भट्टी और 4 रन हो गए। आपने देखा उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, रूम दिया और उन्होंने कट खेला 4 रन के लिए। फील्डर को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का। आखिरी गेंद, अगर मगर का खेल खत्म। इस्लामाबाद हंटर्स को 1 विकेट, सियालकोट शाहीन्स को 6 रन। I hate you. You were supposed to be my dad, not theirs. अब क्या है मेरे पास? हाँ, मैं बाप हूँ तुम्हारा। I love you, my son. I love you. I love you. हौसला ना घटे आखिरी पल तलक, तेरी आँखों में है वो चमक, सोच ले ताड़ले दिल लगा हिट के ये ना जुटे ये ज़मीं ये फलक। सिलेक्टर्स जा चुके हैं, कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। कोच आप रोज ही ऐसा बोलते हैं। तो तुम हो सियालकोट के शाहिद अफरीदी? जी मैं। जो जात तुम्हें यहाँ तक लेके आई है वही जात तुम्हें आगे पहुँचाएगी। 3 मैचेस में चांस मिले या 300 में, लेकिन इस सब यूनिफॉर्म को पहनने के बाद पिच पर किसी एक शहर का अफरीदी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का शाहिद खड़ा होना चाहिए। से बच के क्या जाएगी, लौट के विकटों पर आएगी, हमसे बच के क्या जाएगी, लौट के विकटों पे आएगी, आइडिया है डेफिनेट, बात है जैसे मैग्नेट।